Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. So जो आज का vlog है, it's all about my Vrindavan trip. मैं वृंदावन गई थी. I went to Vrindavan yesterday and अब थकान उतर गई है almost. जो आगे का vlog है उसमें आप देखोगे मेरे सारे जहाँ जहाँ मैं गई, जो जो मैंने वहाँ पे किया, खाया पिया, फलाना फलाना सब कुछ. एंड फर्स्ट हम सबसे पहले गए थे बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वहाँ पर. उसके बाद जो टाइम होता है वहाँ पे एक विजिटिंग, मतलब जो जिसमें मंदिर खुले होते हैं, वो टाइम ही ख़त्म हो गया था. उसके बाद लाइक फ्रॉम 12 noon to 4 PM मंदिर सारे बंद होते हैं. तो उसके बाद मतलब फर्स्ट हाफ में हमने 12 बजे से पहले पहले बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन किए थे. उसके बाद वी वेंट टू हम गए थे उसके बाद प्रेम मंदिर एंड उसके बाद हम गए थे इस्कॉन टेम्पल में. तो मतलब ट्रिप वॉज ऑल ओवर वेरी गुड. आई मीन वाओ, एक स्पिरिचुअल ट्रिप आफ्टर सो लॉन्ग विद माई फैमिली. एंड आप देखोगे आगे वो सब भी हैं, मम्मी पापा एंड मेरी बहन. एंड येस, ट्रिप वॉज वेरी गुड. इन्जॉइंग समर वेकेशन. वैसे तो हमारी कब से वेकेशन ही चल रही हैं, लेकिन या इट वॉज वेरी इन्जॉइंग. बहुत मज़ा आया. एंड स्टे ट्यून्ड टू सी द फुल व्लॉग. तो गाइज हम निकले थे कुछ सुबह 4, 4:30, 5 बजे के करीब. ये कुछ बूमरैंग्स हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाले थे. एंड हमने ब्रेकफास्ट किया अमरीक सुखदेव पे एज यूजुअल, हमारा फेवरेट टॉप फेवरेट रेस्टोरेंट है. उसके बाद ये कुछ क्लिप्स, मम्मा और मैं, ये हम चारों मम्मा पापा और मेरी बड़ी बहन एंड ऑफकोर्स मैं. एंड ये हमने वहाँ पे पंजाबी रिचुअल आलू के परौंठे विद सो मच ऑफ बटर, ये हमने खाया था. एंड विच वॉज वेरी यमी. मतलब अमरीक सुखदेव से ऊपर कोई ढाबा नहीं है, कोई अच्छा मतलब नहीं है रेस्टोरेंट कहीं पे भी आई थिंक. एंड उसके बाद वी हैड टी बिकॉज इतना थक चुके थे. एक छोटा सा और बूमरैंग एंड उसके बाद हम निकल गए आगे अपनी आगे की ट्रिप के लिए. ये मेरी कुछ मेकअप की सामान है जो मैं लेकर गई थी साथ. आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस टू. एंड ये मैं पता नहीं क्या कर रही थी. दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज. इससे क्या होता है कि आपकी जॉ लाइन अप. आई हर्ड इट समथिंग. ये जो है ये मेरा टॉप फेवरेट न्यूड लिप शेड है, लिक्विड लिपस्टिक मतलब की. एंड ऑलमोस्ट मैं हर जगह लगाती हूँ. ये मैंने आगे के क्लिप में दिखाया भी है कि ये कौन सा है. आई थिंक ये हिलारी रोडा का है, आई डोंट रिमेम्बर इट क्लियरली. ये आगे वाली क्लिप में मैंने दिखाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं. आई मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. एंड मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. एंड जो मेरा बर्थडे का व्लॉग था वो भी, उसका भी लिंक जो है मैं इंस्टा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना. एंड उसके बाद गाड़ी में बैठे बैठे आई मेड दिस ब्यूटिफुल हेयर स्टाइल जो कि है एक फ्रेंच चोटी, बिकॉज उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था इस समय करने के लिए. और ये मैंने स्कंची लगा लिया क्योंकि कभी भी जूड़ा बनाना पड़ सकता था. एंड दिस इज मी शो ऑफिंग माई टैटू जिनको मैंने अपने हाथ पे बनवाया था. आज मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ, मतलब जो मेरा टैटू था. जो टैटू का व्लॉग है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसका जो लिंक है आप वहाँ से देख सकते हैं. एंड उसके बाद हम चल पड़े थे गाड़ी पार्क कर कर. हम एक वहाँ ई रिक्शा लेनी थी बिकॉज गाड़ी वहाँ तक नहीं जा सकती थी मंदिर तक. तो ये एक रास्ते का व्लॉग है. एंड ये मेरे मम्मी पापा और यहाँ पे मैंने एक टाइम लैप्स भी बनाया था, वो भी मैं आगे डाल दूंगी, आप देख लेना. एंड बहुत मज़ा आया रास्ते में बातें करते करते गए. सो एंजॉय द फुल व्लॉग. मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है. मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है. मुझे वृंदावन बसाया, ये कर्म नहीं तो क्या है. मुझे वृंदावन बसाया. गाइस नाउ वी आर ऑन वे 5 फुट बांके बिहारी जी का मंदिर.
तो बेसिकली वहां पे क्या होता है, इट्स अ रिचुअल कि वहां पर पेड़े का प्रसाद होता है, तो वो मंदिर के बाहर ही ऐसे पूरी एक मार्केट होती है, तो आप वहां से ले सकते हो। तो अभी हम पेड़े के बारे में इंक्वायरी कर ही रहे थे, तो हमने पैक करवा लिया था। उसके बाद हमने कुछ वो था ना, फूलों की माला ली थी जो मैं अब दिखा रही हूँ, ये वहां पे चढ़ानी होती है। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर बहुत क्राउड था, बहुत ज्यादा क्राउड था, मतलब एक ही टाइम पे इतना बंदा था वहां पर, इतना कि आप कह ही नहीं सकते कुछ। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे धीरे 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 आगे चलते जाएंगे। जब हम आगे पहुंचे थे तो कपाट बंद हो चुके थे, सो वी हैड टू वेट 20-25 मिनट्स। मैं आगे की सारी स्टोरी आपको बताऊंगी। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। और वहां पर ना ऐसे बहुत से छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ऐसे टिक्का लगा रहे होते हैं, बहुत ही अच्छे थे, मतलब वो इतने क्यूट क्यूट थे। तो हमने लगवा लिए, पहले चिनार जी ने लगवाया, फिर मतलब मेरी बड़ी बहन ने, और उसके बाद मैंने भी लगवाया था। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। A very very personal compliment, a very personal experience I want to share from this जो आपने अभी देखा बांके बिहारी जी का मंदिर जो मैंने दिखाया। Thing was कि वहां पर इतना रश था कि literally aged बंदा तो वहां जा ही नहीं सकता है। वहां पे सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, मतलब इतना रश फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से लेकर आप जब तक आगे का पार्ट तक नहीं पहुंचते, मतलब इतना रश था वहां पर, इतना रश था कि एक टाइम पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे कम से कम लाइक 10-20,000 पर्सन एक टाइम पे है, जहां पे सिर्फ 2-3,000 लोग हो सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा रश। बट यू नो वो होता ना कि आपने इतना सब कुछ स्ट्रगल किया, इतने धक्के खाए, एंड उसके बाद when you see them कान्हा जी, दैट्स सो रिलीफ, सच अ गुड थिंग। मतलब मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर बांके बिहारी जी के मंदिर जाना है तो ये सोच के जाना कि वहाँ पे इतना रश मिलेगा कि एक टाइम ऐसा आएगा यू विल फील कि बस और नहीं हो रहा, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। क्योंकि ऐसा हुआ था कि जैसे हम वहाँ पहुँचे थे तो कपाट बंद हो गए थे, एंड कपाट जब बंद होते, कपाट होता है जो उनके पर्दे होते हैं, द्वार जिसको हम बोलते हैं, तो वो बंद हो गए थे, एंड वो 25 मिनट्स बाद खुले थे। स्टैंडिंग इन दैट रश, मतलब वो इतने धक्का मुक्की में 20 मिनट खड़े होना इज इन इट सेल्फ अ वेरी बिग थिंग। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी और घुटन, इतना पसीना और मतलब इतने धक्के, सब कुछ था वहाँ पे। तो इफ़ यू प्लानिंग टू गो वृंदावन एंड टू बांके बिहारी जी का मंदिर, देन दीज आर लाइक यू गेट देम इन द टेम्पल। एंड बीच में ऐसा हुआ था कि एक बारी तो मेरे को लगा कि भाई मैं नहीं खड़ी हो सकती इस रश में, कि भाई मेरे को तो यहाँ से जाना है। बट जैसे ही मैंने सोचा तो कपाट खुल गए थे, तो आई वॉज लाइक कि चलो शुक्र है कि कपाट खुल गए हैं, मतलब इतना रश। उसके बाद फाइनली हम दर्शन करके निकल गए वापस से ई रिक्शा पे अपनी गाड़ी तक, एंड गाड़ी तक पहुंचने में भी हमें इतना टाइम लग गया बिकॉज रश काफ़ी हो गया था, मंदिरों का टाइम बंद हो गया था। एंड वहाँ पे हम प्रेम मंदिर के बिल्कुल बाहर से निकले थे उस टाइम पे,
एंड आई जस्ट कैप्चर्ड दैट मोमेंट. वो इतना सुंदर मोमेंट था क्योंकि मंदिर सारे बंद थे तो लोग सारे बाहर ही वेट कर रहे होते हैं. चले गए थे होटल के रूम में बिकॉज मैं हम 4 घंटे क्या ही कर सकते थे. मैं वहाँ पे बिल्कुल शूट नहीं कर पाई बिकॉज इतना थक चुके थे हम सब कि हम सब सीधा आए हैं, कपड़े चेंज किए और सो गए. और फिर हमारी आँख खुली 4:30 एंड वी रश्ड टू प्रेम मंदिर. मतलब इतना वो था, हम इतनी जल्दी जल्दी में मतलब हम फटाफट तैयार हुए एंड सुबह वाले जो कपड़े थे वो इतने ज़्यादा स्मेली हो चुके थे, पूरे स्वेट से भर चुके थे. तो हम अपने अपने एक अलग सेट ऑफ अलग पेयर ऑफ क्लोथ्स लेके गए थे. तो जो सुबह वाला सूट था मेरा येलो वाला, वो तो आपने उस देख ही लिया पहले. उसके बाद आई वोर अ ब्लू सूट, वो आपको आगे दिख जाएगा फोटोज वीडियोज में. फिर अभी देन विजिटेड टू प्रेम मंदिर जिसकी क्लिप्स अब आप देखोगे आगे. प्रेम मंदिर इन इट्स सेल्फ इज लाइक एन इन्वायरमेंट ऑफ लव. मतलब वहाँ जाके इतना अच्छा फील होता है, इतना अच्छा दैट आई कांट से, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप. जो इंसान वहाँ गया है ना, सिर्फ उसी इंसान को उस जगह की फील पता है. कोई किसी के आप मुंह से सुनोगे ना आपको लगेगा चलो अच्छा है, लेकिन जब तक आप वहाँ जाओगे नहीं ना, यू विल नॉट फील, यू विल नॉट कम टू नो दैट दैट ऑरा, दैट मतलब एनवायरमेंट, वो वाइब. बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब बहुत ही अच्छी. क्या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, मतलब कैसी कैसी चीज़ें, कितनी कितनी अच्छी पेंटिंग्स, मतलब फलाना डिमका, इतनी सारी चीज़ें. मैंने इतना सब कुछ रिकॉर्ड किया जितना मैं कर सकी, क्योंकि प्रेम मंदिर में भी कोई कम रश नहीं है. इट्स जस्ट दैट प्रेम मंदिर बहुत बड़ा है और वहाँ पे इतना बड़ा होने के बाद लोग आ जाते हैं, मतलब लोग फिट हो जाते हैं. इन शॉर्ट इतना बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है. कम से कम वहाँ पे एक टाइम पे 3 से 4 लाख लोग होंगे एक टाइम पे इन द होल कैंपस. और अंदर भी मंदिर के ऊपर भी एक है मतलब एरिया. मैं वहाँ नहीं गई थी क्योंकि बहुत रश था, हम नीचे के दर्शन करके आए थे. ऊपर सिर्फ पेंटिंग्स वगैरह ही हैं. जो मेन कान्हा जी की मूर्ति है राधा जी की, वो उसी जगह पे है, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे. और साइड में तो बस वो हैं लाइक पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, क्रिएचर लाइक स्टैचूज वगैरह. तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आर्ट फॉर्म इतना अच्छा है ना. और जो कृपालू जी ने उनका ये मंदिर बनवाया था तो उनके मैंने काफ़ी सीन्स कैप्चर किए हैं. मतलब कहीं कहीं जगह तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की हुई हैं, मतलब इतनी बारीकी से हर काम किया हुआ है. मतलब इट्स सो गुड मैन, मतलब बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर, बहुत ही अच्छा क्रिएटिविटी, एवरीथिंग इज जस्ट माइंड ब्लोइंग. एंड उसके बाद हम तैयार श्यार होकर, ये मेरा ये ब्लू वाला सूट है जो मैंने आपको पहले बताया, वी वेंट टू कृष्ण जन्मभूमि. वो वहाँ की बहुत ही अच्छी जगह है. वहाँ पे मोबाइल फोन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर अलाउड नहीं था, तो जितनी फोटोज जो कुछ भी था मैं बाहर ही कैप्चर कर सकी. ये हम वहाँ के रस्ते में थे. बेसिकली जन्मभूमि में उनकी जो वो जेल थी ना जहाँ पर वो पैदा हुए थे, मतलब जो काल कोठरी थी, एक वो है देखने वाला चीज़ वहाँ पे, और एक वहाँ पर उनकी मतलब प्रॉपर मूर्ति वगैरह है, जो कि बहुत, जो मंदिर है प्रॉपर, बहुत ही अच्छा है. मतलब इतना अच्छी जगह है ना वो, मतलब बहुत ब्यूटीफुल. और ये वहाँ का मतलब वहाँ पे भी ऐसे ही था, सेम जैसे बांके बिहार जी के मंदिर में था ना, बिल्कुल साइड में सारी मार्केट थी और गाड़ी बहुत पहले ही पार्क करनी थी क्योंकि वहाँ पे कोई जगह नहीं थी. ऐसी पूरा दोनों तरफ मार्केट थी, आप कुछ भी खरीद सकते हो, प्रसाद वगैरह एंड खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें थी. और वो सामने बिल्कुल आगे जो है आपका कृष्ण जन्मभूमि थी, वहाँ पे काफ़ी चेकिंग थी. अब जब आपको अपनी गैजेट्स वगैरह डिपॉजिट कराने थे, टुक अस 45 मिनट्स बिकॉज बहुत लंबी लंबी लाइनें थी. मैं वहाँ पे कुछ भी कैप्चर नहीं कर सकी अंदर का, बिकॉज एज आई टोल्ड कुछ भी अलाउड था ही नहीं लेके जाने के लिए अंदर हमारे पास. एंड उसके बाद चलते चलते वहाँ पे थोड़ा मौसम भी अच्छा था, मतलब बारिश टाइप वाला ही था. एंड आप तब देखोगे कि हम वहाँ पर पहुँच चुके थे, ये हमारी जो है जन्मभूमि है कृष्ण जी की. मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है. मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं.
उसके बाद जब हम वहां से बाहर आ गए थे तो हम इतना थक चुके थे क्योंकि ना काफी एरिया बड़ा है तो चलना बहुत होता है वहां पे। तो हमने फिर यहाँ पे वृंदावन की लस्सी ट्राई की जो हमने सुना था कि बहुत अच्छी होती है। वी वर अ बिट अफ्रेड बिकॉज हाइजीनिक तो थोड़ा कम ही है वहां पे, हाइजीन का इतना ध्यान नहीं रखा जाता है। बट जब वो लस्सी बनी और बनने का स्टाइल भी बहुत उनका अलग सा था, मतलब अच्छा था। जो मैंने बताया था ना साइड में मार्केट है उसी में से एक दुकान से हमने पी थी और जब वो लस्सी आई तो इट वाज माइंड ब्लोइंग, मतलब बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया। ऐसी लस्सी मैंने पी हुई है 2-3 बार लेकिन ये वाली भी बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत कम लस्सियाँ पसंद आती है लेकिन ये वाली बहुत अच्छी थी। एंड उसके बाद हम सब ने पी, मम्मा, मैंने, पापा ने और मेरी बड़ी बहन ने भी। एंड फिर हम चल पड़े थे अपने प्रेम मंदिर की तरफ। गाड़ी पार्क कर वी वेंट बाय फुट टू प्रेम मंदिर। पहले प्रेम मंदिर सिर्फ बाहर से देखा था अभी सुबह के टाइम, अब फाइनली हम अंदर से देखने वाले हैं। प्रेम मंदिर इन इट्सेल्फ इज अ वेरी वेरी डिवाइन प्लेस, सच अ स्पिरिचुअल ऑरा, सच अ स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब मजा आ गया वहां जाकर। तो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद
हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, उसके बाद इस्कॉन मंदिर में ही दो तीन शॉप्स थी जहाँ से आप बुक्स ले सकते थे, स्पिरिचुअल बुक्स। तो हमने वहाँ से 3-4 बुक्स भी ली थी। एंड ये वहीं पे एक बहुत अच्छा साइड पे जाके, मतलब सच अ ब्यूटिफुल स्टैचू, मतलब कान्हा जी और राधा जी का डांस करते हुए, बहुत ही सुंदर था। और ये इंस्टाग्राम पे भी इतना वायरल है ये, मतलब इतना सुंदर था ना, ये मज़ा आ गया यहाँ पे जाके। एंड यहाँ पे ना ऐसे इनका पूरा एक प्रॉपर्टी सी थी, एक राउंड लेना होता है यहाँ पे। बहुत अच्छा आर्टवर्क है इस्कॉन मंदिर में भी। वहाँ पे ऐसे मतलब बहुत सारे जो वहाँ के रामायण के सीन्स है ना, मतलब काफ़ी सारे वो हैं। और यहाँ पे इन्हीं के दोनों की मूर्ति के पीछे एक एड्रेसिंग प्लेट लगाई हुई थी, ये मैंने कैप्चर भी की थी यहाँ पे, द डिवाइन कपल इंग्लिश एंड हिंदी में, बहुत ही अच्छा था। एंड वहाँ पे खड़े नहीं होने दे रहे थे, दे वर लाइक कि बस आपने देख लिया अब आप चलो, मतलब दिस वाज जस्ट अ वॉकिंग टूर। उसके बाद पूरा अंधेरा हो चुका था, इट वाज ब्लैक आउट, इट वाज 7:30 मंदिर बंद हो जाते हैं। तो हम गए उसके बाद इस्कॉन मंदिर, हमारे पे सिर्फ एक घंटा था, सारे मंदिर बंद हो जाते हैं 8:30 पे। प्रेम मंदिर से हम निकले इस्कॉन मंदिर के लिए, दे आर जस्ट लाइक 5 मिनट्स के रास्ते पे, एक ही रोड पे हैं दोनों। जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वो अलग बेल्ट पे है, जो प्रेम मंदिर और इस्कॉन है वो एक ही बेल्ट पे है। तो हम गए थे उसके बाद इस्कॉन। इस्कॉन मंदिर इन इट्सेल्फ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ देम। मतलब वहाँ पे आप देखोगे हर समय कीर्तन चल रहा है, पीपल आर डांसिंग, दे आर लॉस्ट इन भक्ति। एंड हमने वहाँ पे बुक्स भी खरीदी कुछ, आप देखोगे आगे, मैंने उसका भी कैप्चर किया था, 3-4 हम बुक्स लेके आए वहाँ पे। एंड वहाँ पे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, मतलब जब आप वहाँ जाओगे ना, इस्कॉन टेम्पल में सबसे कम रश होता है एज कंपैरिजन टू बांके बिहारी जी का मंदिर एंड प्रेम मंदिर। इस्कॉन मंदिर का भी काफ़ी ठीक ठाक बड़ा कैंपस है, लेकिन एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रेम मंदिर है अकॉर्डिंग टू मी। और वहाँ पे जाके भी मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी वाइब्स थी, मज़ा आ गया वहाँ जाके भी। आई विश कि आई कुड विजिट इट अगेन इन फ्यूचर। एंड यस, मैं एक पर्सनल रिकमेंडेशन है कि प्रेम मंदिर तो ज़रूर ही जाना, इस्कॉन, प्रेम मंदिर, बांके बिहारी जी का मंदिर भी जाओ, बस वही है, उसमें रश बहुत मिलने वाला है। एंड वृंदावन इन इट्सेल्फ इज़ अ वेरी गुड प्लेस। आप जाओगे ना वहाँ पे, हर कोई, आप किसी से भी बोलोगे ना, कोई आपको नमस्ते नहीं बोलेगा, कोई आपको राम राम नहीं बोलेगा, कोई आपको सत श्री अकाल नहीं बोलेगा, हर कोई बोलेगा राधे राधे। मतलब अलग ही है, वाइब भी अलग है, मतलब बहुत ही मज़ा आया। एंड वहाँ पे मॉन्कीज का इतना ज़्यादा यू नो फियर था, वो एक दूसरे की मतलब लोगों की चीज़ें चुरा रहे थे। एंड लिटरली मैंने खुद अपने सामने देखा कितने लोगों की चीज़ें लोगों उसने उन्होंने चुरा ली, किसी के मोबाइल, किसी के स्पेक्टिकल्स, किसी का कुछ फलाना ढंग का पता नहीं क्या क्या। तो वेन यू गो टू वृंदावन, कीप योर सच थिंग्स यू नो एट अ वेरी सेफ एंड राइट प्लेस, बिकॉज वो चोरी हो जाएंगी और पता नहीं कब मिलेंगी, वो देंगे भी या नहीं, वी डोंट नो। वैसे तो दे देते हैं उनको कुछ खाने का, दो फलाना फलाना, तो फिर वो तब देते हैं। बट चलो, दिस ट्रिप वॉज ऑल इन ऑल अ वेरी गुड ट्रिप, थम्स अप फ्रॉम माई साइड। मैडम फिर से वापसी में अमरीक सुखदेव पे गए थे, वहाँ पे आलू का परांठा खा के मैं तो अक चुकी थी, नो डाउट वॉज वेरी गुड, लेकिन स्टिल आई वॉज लाइक मुझे कुछ और ट्राई करना है। आई ट्राइड सांबर डोसा विच वॉज अमेजिंग। फिर वहाँ से वापसी घर आए, एंड फिर उसी दिन शाम को वी वेंट टू गुरुद्वारा, बिकॉज वो तो जाना ही होता है। एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग ऑफ माइंड। बहुत मेहनत लगती है शूट करने में, कई बार ऐसा होता है कि आप खुद वो मोमेंट इंजॉय नहीं कर पाते हो, एंड यू थिंक कि मुझे रिकॉर्ड करना है उस जगह, एंड देन यू सी योर रिकॉर्डिंग्स बैक, फिर आपको सारा फ्लैशबैक हो जाता है कि हाँ मैं वहाँ गई थी, फलाना फलाना हुआ था, एंड ऑल एंड ऑल। तो या आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो,
Do subscribe to my channel, like, share and comment, and help me reach 1000 subscribers. Bye bye.